बाइक आई उस पर मेरा दिल आ गया, नई नई बाइक मैंने भैया को पटा के, चाचा है मेरे, भैया बोलता था मैं उनको, उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 साल का ही है, तो मैं प्यार मोहब्बत में मैं उनसे बाइक ले आया। सही है। वो चलाने लग गया। अच्छा वो चलाने लग गए तो बस मोपेड किनारे रह गई, बाइक ज्यादा चलने लग गई, फिर जब वो बाइक ले जाते थे तो मैं चलाता था मोपेड, इस तरह से चलता रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं लेके आया हूँ पार्ट टू, जो हम बात कर रहे थे तुषार सर से। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं बातचीत आगे जो होने वाली है थोड़ी स्पाइसी। तो मतलब ये समझ लीजिए कि मैं 13-14 साल की उम्र से मोपेड और बाइक दोनों इकट्ठे चला रहा हूँ। तो सर ये तो हो गया सर आपकी स्टार्टिंग का, बट एक सीरियस राइडिंग जो होती है, जो आप करते हो, जो आपका मेन मैं कहूंगा पैशन है, उसमें कैसे एंटर हुए? भाई मेरे को सीरियस राइडिंग पहले करता था मैं, बीच में 10-12 साल का ब्रेक लगा। ओके, नहीं पर आए कैसे सीरियस राइडिंग में सर? बस ये अचानक ही आ गए। अपनी पहली राइड याद है? मेरी पहली राइड जो थी वो थी हमारे सिटी से मेरे फैक्ट्री तक की, विच इज 30 किलोमीटर। ओके, एंड आई वॉज राइडिंग ए यामा 350 दैट टाइम। ओके, छोटा था मैं, 16 साल का रहूंगा तब। ओके, तब मैंने उससे राइड पूरी की थी, लेकिन एक चीज मुझे सिखाई गई थी कि हेलमेट जरूर पहनना है। डेफिनेटली सर, ये तो मैंडेटरी है आजकल कि आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। और मेरे को याद है कि जब मेरी उस मोटरसाइकिल से मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था। ओके, तो मेरे को सिर्फ हेलमेट नहीं बचाया था। गुड, तो एक अच्छा मैसेज है व्यूअर्स के, मैं कह व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने हेलमेट का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं जब भी कोई नया टू व्हीलर खरीदता हूं तो मैं उसके लिए हेलमेट जरूर लेके आता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज मेरे पास 3 आरी के वेरिएंट्स हैं। Okay. मेरे पास 6 आरी के हेलमेट हैं और 2 मेरे पास मॉड्यूलर हेलमेट्स हैं। वाओ, सही है सर, सही है। और सर सबसे पहली लॉन्ग राइड कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहली लॉन्ग राइड थी गोरखपुर से काठमांडू की। वाओ, कुछ ज्यादा ही लंबी थी। उस समय कोई राइडिंग गियर नहीं हुआ करते थे। ओके, और कोई प्रोफेशनल राइडिंग नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। यहां तक कि हमारे पास लगेज को कैरी करने के लिए भी कोई ढंग का बैग नहीं हुआ करता था। ओके, तो बैकपैक ही हुआ करते थे, और बैकपैक भी 1992-93 में 1994 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो तो है। तो सर ये ग्रुप के साथ राइड की थी या आपने सोलो करी थी? फ्रेंड्स के साथ। ओके, कोई ग्रुप कहां होते थे। अच्छा, ग्रुप भैया आज से 20-25 साल पहले ग्रुप कहां हुआ करते थे, बस दोस्त होते थे। हाँ, एमेच्योर राइडिंग होती थी। ओके, लेकिन यानी बिना किसी गियर के दोस्तों के संग घूमना। हाँ, गियर तो भैया बहुत दूर की बात होती थी, हम लोग को हेलमेट अच्छा मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी। स्टड्स का हेलमेट आता था 350-350 रुपए का, 250 रुपए का। वो बहुत महंगा लगता था उस समय बहुत महंगा लगता था। हाँ सर, 10-10 हजार के हेलमेट है मेरे पास भी, पर उस समय सर 150 रुपए या 100 रुपए के हेलमेट से ऊपर जाने की दिल नहीं करता था। भैया महंगाई बड़ी है तो कमाई भी तो बड़ी है, वो रेशियो तो वही चल रहा है। हाँ ये तो है सर, ये तो सिर्फ सोचने की बात है कि यार 10 हजार का हेलमेट हो गया तो भाई सैलरी भी तो आपकी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गई है। हाँ। उस समय सैलरी भी तो 1500-1000 रुपए की हुआ करती थी। पर सर तब से अब तक का एक फर्क ये भी है कि उस समय हेलमेट की जरूरत इतनी समझते नहीं थे लोग, आज राइडिंग में आने के बाद समझ आता है कि हेलमेट कितना जरूरी है। हेलमेट बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने कुछ भाइयों के साथ मिलके एक ड्राइव शुरू की है, नो हेलमेट नो राइड्स। हाँ,
सर का एक अपना ग्रुप मैंने, है। मैंने 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 बहुतों को उसके अंदर जोड़ा है और जोड़ रहा हूं। अभी इस पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है इस ड्राइव के ऊपर। तो सर आप सब भी हैशटैग नो हेलमेट नो ड्राइव सर नो राइड नो राइड नो हेलमेट नो राइड हैशटैग नो हेलमेट नो राइड हैशटैग नो हेलमेट नो राइड को जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, और जिनके एडमिन हमारे सर हैं, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है खासकर यंग। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब साथ हैं सर। एक बंदा शुरू करता है उसके बाद तो लोग जुड़ते जाते हैं, शुरुआत ही मेन है। कोई कभी कभी ये मत कहिए कि मेरा है, नहीं, हम सबका है लोगों के लिए। ओके जी, तो आप भी इस फैमिली में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। नो हेलमेट नो राइड्स। और मनीष भाई, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी। इस चीज को लेके ओके पहले ओपन फेस हेलमेट ही चला करता था। हाँ जो 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 कवर्ड फेस हेलमेट था उसको उसको लोग कंफर्टेबल नहीं मानते थे, सांस घुटना बोलते थे, कौन सा हमको रेसिंग करनी है। हाँ, घुटन फील होती थी लोगों को, घुटन घुटन फील होती थी। लेकिन ये बात है भाई, वो काठमांडू का सफर मुझे याद रहेगा। मतलब वो पतली सीट मोपेड किस तरह से पहुंचे हैं मुझे पता है। हम लोग इस जर्नी में कूद तो पड़े थे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ हम लोग। उसके बाद से हम लोगों ने कान पकड़ लिए कि इतनी लंबी राइड पे कभी जाना नहीं पर ऐसा हुआ नहीं, उसके बाद भी सर ने बहुत लंबी राइड करी है। सर इसके अलावा कितनी लंबी राइड कर चुके हो आप? जब मैं बॉम्बे गया हूं, ओके, मैं अपने डेस्टिनेशन से जयपुर गया हूँ 2-3 बार, ठीक है जी, लेह लद्दाख सर, और हिमाचल हिमाचल में काफी जगह गया हूँ। और सबसे जबरदस्त राइड तो मेरी और मेरे बेटे की और गौरव भाई के साथ हमारी स्पीति राइड रही है। स्पीति राइड वो मैंने मिस करी थी, वो तो फिर चलेंगे फिर चलेंगे। मैंने मिस करी थी, साल पर कवर अप करेंगे। जैसे 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 हम माता के दर्शन को जाते हैं ना, तो कहते हैं माता का बुलावा आया है, ऐसे ही आएगा बुलावा आएगा वैसे वैसे ही बुलावा स्पीति और लद्दाख के लिए भी आता है। बस वही है सर, टाइम से पहले कुछ नहीं होता। हर एक के वो नहीं होती, किस्मत नहीं होती कि ये राइड मिल जाए। सही कह रहे हो सर। जैसे लास्ट ईयर मेरी नहीं थी, बट इस ईयर मैंने सोचा हुआ है मैं जाऊंगा, बट ये कोरोना का असर चल रहा है, देखो कब जा पाते हैं। आप लोग चांचल पास कराए, मैं नहीं करके आया। हाँ आप उसमें रह गए, जलोरी में भी रह गए सर, जलोरी पास भी रह गए आप। ये है हमारा 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 हमारी जो बॉम्बे की राइड थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ और काफी 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 एडवेंचरस रही मैं और मेरा बेटा सर। राइड में बॉम्बे की जो आपकी राइड हुई थी उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, आप एक तरह से सोलो राइड में गए थे, आपके बाइक के जो टायर के संग कुछ हुआ था। हाँ, मैं और मेरा बेटा साथ में थे, हमारे 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 रेयर व्हील के स्पोक्स टूट गए थे, तो लकीली लकीली हम लोग के साथ कुछ अप्रिय घटना नहीं घटी और समय रहते हमने उसको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हमको पूरा रिम चेंज कराना पड़ा सड़क के ऊपर खड़े होके, हमारा 5-6 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ। तो भाई उसके अंदर हमारी हमारी बाइक के स्पोक्स टूट गए, तो हमने उसको रिप्लेस कराया और हमने अपना सफर कंटिन्यू किया। हम बाकी भाइयों से बिछड़ गए जिनके साथ हमने
ज्वाइन करके आगे सफर पूरा करना था। ओके। तो हम बाप बेटा अकेले रह गए और हम लोग ऑफ ट्रैक हो गए एक तरह से। और रास्ते में फिर हम लोगों ने भाइयों की मदद ली। ओके। और गर्मी बहुत ज्यादा थी और हमारी हिम्मत जवाब देने लग गई, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने राजस्थान क्रॉस कर लिया था और हम लोग गुजरात बॉर्डर पे थे। तो हम लोगों ने वहां पे बाइक खड़ी की और वहां से हम लोगों ने बस का सफर किया। okay. बाप बेटे ने, और बस का सफर करके हम अहमदाबाद पहुंचे। okay. और अहमदाबाद हमारे हमारे लिए भाई लोग इंतजार कर रहे थे। और हम लोगों ने भाइयों को ज्वाइन किया, उनकी गाड़ी में बैठे और अहमदाबाद से बॉम्बे हम लोग उनके साथ गए। यानी कि राइड इतनी 800 किलोमीटर, राइड करना हाँ, हजार किलोमीटर नहीं है, 1000 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक पे कर लिया था और 700 किलोमीटर के करीब हम लोगों ने गाड़ी पे किया। तो सर ये एक तरह का मैसेज है यंगस्टर के लिए जो सोचते हैं कोई नहीं निकल पड़ो कुछ नहीं होगा, तो यानी कि थिंग्स डू हैपन, तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये मतलब बहुत देखिए मशीनरी है, मशीनरी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। डेफिनेटली। और यही बाप बेटे ने हमने स्पीति सर्किट किया और इतनी खराब सड़कों पे हमने अपनी बाइक को दौड़ाया है, वही सेम बाइक हमारी क्लासिक 500, और वहां पे हमारे को कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई मैकेनिकल इशू नहीं हुआ, हम जैसे गए थे वैसे मजे से हम वापस आए। और इस रूट के ऊपर जहां सड़कें बहुत अच्छी हैं, सारी सुख सुविधाएं हमको फ्रीली अवेलेबल हैं, और वहां पे हम दिन में 2 बार ब्रेकडाउन खाया। और वो हमारी किस्मत थी कि हम ऐसे क्रॉसिंग के ऊपर थे और संडे का दिन था, ट्रैफिक बहुत कम था, हम लीन होके लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे और वहीं पे हमको फीलिंग हुई कि स्पोक्स टूट गए और मैंने वहीं पे बाइक रोक दी। सही है, बहुत मुश्किल हो जाता वरना। फिर वहां पे फिर मेरे को एक मैकेनिक मिला, वो बेचारा अपनी बाइक से गया मेरे लिए, फिर नया रिम लेके आया और उसने पूरा रिम रिप्लेस किया। ओके। और हमारे 4-5 घंटे फिर खराब हुए और हमको फिर एक रात के लिए एक्स्ट्रा रुकना पड़ा और हम इस तरह से फिर घर पहुंचे और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये होता है कि कुछ रिकॉग्नाइज होते हैं जो आपके ट्रिप में जुड़ जाते हैं और वो आपके सफर को खराब करने में लगे होते हैं, यानी कुछ यादें बन जाती हैं। देयर इज नो गुड रीजन, देयर इज नो गुड रीजन फॉर द ब्रेकडाउन, बिकॉज इक्वल लोड के साथ हमने स्पीति सर्किट किया है और उससे हल्के ही हम बॉम्बे के लिए थे, क्योंकि स्पीति पे आप ज्यादा सामान लेके जाते हो, गर्म कपड़े साथ होते हैं। बॉम्बे जा रहे थे, हमारे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, हमारे पास कोई ट्राउजर नहीं थी एक्स्ट्रा, वहां पे हमारे पास बॉम्बे के लिए शॉर्ट पैंट और टी शर्ट था बस, जबकि स्पीति पे जाने के लिए हमारे पास गर्म कपड़े भी थे, इनर्स भी थे, गर्म जूते भी थे। बस सर जो वक्त पे होना है वही होना है। यस सर, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। सर मैंने भी ग्रुप ज्वाइन करे हैं, आपने भी काफी ग्रुप ज्वाइन करे हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा ग्रुप के संग बुरा रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं आपको रोकूंगा इस पे। मैंने कभी कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। ओके। मैंने ग्रुप्स के साथ राइड की है। ओके। एक 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 ग्रुप के साथ मैंने जुड़ने की कोशिश की थी तो वो इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप बन गया था। ओके, चलो नाम नहीं लेते, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं तो उनके लिए इवेंट में एक वॉलंटियर बन के ही रह गया था। सही है, सारे सर सेम बन के रह गए थे। फिर मन जब जिस दिन मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्टिव राइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई पैशनेट राइड नहीं कर पा रहे हैं, मैंने 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 उनसे किनारा कर लिया, राम राम कर ली और मैं अपने मन का मालिक हो गया। मैं जैसे राइड मन करता है, जिसके साथ मन करता है वैसे राइड कर रहा हूँ। भाई ये मेरी पर्सनल फीलिंग है,
हर आदमी का एक अपना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी बोर्डिंग स्कूल्स में रहा हूं तो मेरे को पता है कि ग्रुपिज्म क्या होता है अंदर से लेके बाहर तक, क्या पॉलिटिक्स होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ग्रुप इज एसोसिएशन ऑफ पीपल, और उसके अंदर सबको एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए। डेफिनेटली सर, सबसे बड़ी चीज होती है कि एक ग्रुप मेंबर के खुद के विचार होते हैं जो कि बाकी मेंबर्स को भी ध्यान में रखने चाहिए। बिल्कुल सही सर, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आई एम सीनियर मेंबर या मैंने ग्रुप क्रिएट किया है तो मैं एडमिन हूं तो मैं आपसे जो बोलूंगा आपको वो मानना पड़ेगा। कोई कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। बिल्कुल सही सर, हम लोग अपने पैशन को पूरा करने के लिए, हम लोग अपने एडवेंचर की थर्स्ट को मिटाने के लिए साथ में राइड करते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैल्यूएबल टाइम को एंजॉय करने के लिए हम ग्रुप बनाते हैं। और सर आप सोलो राइड करके कैसा फील हो रहा है? भाई मैंने तो जब ग्रुप में भी चलता था तो भी अपने आप को सोलो ही मानता था। सर पर टेक्निकली आप सोलो नहीं हो, आपने एक मैं कहूंगा नई पोत तैयार कर रहे हो राइडर्स की, जिस उम्र में आप अपने लड़के को तैयार कर रहे हो सर वो काबिले तारीफ है। तो सर बताओ सर ऐसा क्या हुआ कि आप इस उम्र में उसे तैयार कर रहे हो? भाई मुझे ये पता है कि अगर मेरा बेटा मेरे शौकों को आगे लेके जाएगा तो जो चीज वो मुझसे सीखेगा वो उसको बाहर कोई नहीं सिखाएगा, पहली बात। डेफिनेटली सर, ठीक है। और घर में रह के इन चीजों से वो रूबरू हो रहा है और अपने आप को नेग्लेक्टेड नहीं फील करता। डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इकलौता दोस्त है आज की तारीख में। सही है सर। और यही चीज ये भी बोलता है, अगर आप इसको सवाल करेंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो ये बोलेगा माय पापा इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये अचीवमेंट है सर। इसके पास कोई दूसरे, हाँ स्कूल के इसके अपने सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स। हालांकि सर जब आप इसको स्पीति गए थे तो हम लोगों ने आपको मना ही किया था कि आप मत लेके जाओ, काफी छोटा है। तो एक आधी बार सर डर लगा था कि इतने छोटे बच्चे को लेके जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और ये मैंने इसको स्पीति के लिए बहुत ही प्लानिंग के साथ तैयार किया है। ओके। जब मैंने ठान लिया कि मेरे को स्पीति करनी है तो इसको लेके जाना है, और इसका शौक भी बढ़ रहा था राइडिंग के प्रति, तो मैंने बोला कि बच्चा है इसका स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो मैंने इसको 6-8 महीने बहुत जबरदस्त लोकल राइडिंग कराई, पूरे गियर के अंदर, गर्मी सर्दी बारिश हर क्लाइमेट के अंदर मैंने इसको राइड कराई। जलंधर ले गए, लुधियाने ले गए, चंडीगढ़ ले गए, ठीक है जी, पटियाले ले गए, अंबाले ले गए, यहां ले गए, वहां ले गए, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आना जाना, अप डाउन, दिन में 2 बार लुधियाना अप डाउन कर लिए। तो इस तरह से तैयार हुआ, इसका स्टैमिना बनाया। सर एज कितनी है? हाँ उसके बाद उसके ये 13 पूरा किया इसने, 13 साल, यानी कि जब हम सोचते भी नहीं थे जी, अभी 14वां लगा है इसको। ओके, इस उम्र में हम सोचते भी नहीं थे कि बाइक चलानी है जी। और मजे की बात ये है कि जब हम लोग ऊपर शिमला क्रॉस करके आउटस्कर्ट्स पे पहुंचे तो वहां मेरे कुछ शिमला के दोस्त लोग मिलने के लिए आए थे। ओके। तो हम वहां रुके हुए थे, हाईवे था वो, बहुत हैवी ट्रैफिक था, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था, वैसे ही पहाड़ों पे रास्ते बड़े कम चौड़े होते हैं,
तो ये बोलता है मेरे को और मेरे शिमला वाले दोस्त को, कहता है चाचू ये तो पापा ने मेरे को इतना प्रैक्टिस कराई हुई है, नहीं तो मैं यहीं से बस पकड़ के वापस जाने वाला था। सही है। अब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा होने लग गया है, अच्छा लगने लग गया है, और अब धीरे धीरे आगे हम जैसे जैसे जाएंगे ट्रैफिक कम होता जाएगा, भीड़ भड़का कम होता जाएगा और नेचर के नजदीक होते जाएंगे हम। सही का सर, तो एक्सप्लोर करने का मजा आ रहा है। ओके, तो सर काफी अच्छा लगा आपसे आज बात करके, हमने काफी टॉपिक्स पर काफी लंबी बात करी है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बाकी सर मिलते हैं राइडिंग में, किसी जर्नी पे मिलते हैं, ये लॉकडाउन खत्म हो, कोरोना खत्म हो, फिर हम एक राइड करते हैं। सारी जिंदगी राइड रहेगी, हमको आज भी ये चीज पे ध्यान देना है कि भले ही लॉकडाउन खुल जाए लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव होके समाज में घूमना है, फालतू किसी से मिलना नहीं है, बिकॉज इसका असर बहुत दूर तक और लंबा जाएगा। डेफिनेटली सर, अगर हम 6-8 महीने साल भर राइडिंग नहीं करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे घर में कोरोना आ गया तो बहुत कुछ खा जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, मिलते हैं सर फिर आपको। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नो हेलमेट नो राइड। वो क्या बातचीत थी यार, तुषार सर के साथ जितनी मर्जी बात कर लो यार दिल ही नहीं भरता, और ही इज अ जैम पर्सनैलिटी, कितना कुछ है यार उनके पास। फिर मौका मिला तो दोबारा से उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, वो डिपेंड करता है कि ये वीडियो का आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नो फिल्टर बातें थी हमारी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वीडियो तो 100% आपको अच्छा लगा होगा यार, तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगी घंटी को बजा दीजिए, क्योंकि घंटी बजाना यस समझदार हो गए हो।